मैं आज अयोध्या लगभग 45 वर्ष बाद आया हूँ। 45 वर्ष पहले एक युवा के नाते जब आया था यहाँ तो मन में पीड़ा थी, एक पीड़ा थी कि जिस रामायण को पढ़कर, रामलीलाओं को देखते हुए हम बचपन से बड़े हुए, अयोध्या के बारे में बहुत सी कथाएं सुनी, जिस जगह भगवान राम का जन्म हुआ वहाँ पे एक विदेशी व्यक्ति, और ये बात मेरे भारत के मुस्लिम भाइयों को समझनी चाहिए कि ये जो यहाँ जो पहले मंदिर होता था उसको तोड़ने वाले भारत के मुस्लिम नहीं थे, वो एक बाहर का एक विदेशी व्यक्ति था, आतताई था, जिसने उस मस्जिद को, मंदिर को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई। तो मन में पीड़ा होती थी और ये लगता था कि हम भारत के नागरिक होते हुए, और भारत 1947 में आज़ाद हो चुका, फिर भी जो हमारे पर जिन लोगों ने आक्रमण करके हमारे पर राज किए, उन लोगों ने, उन शासकों ने हमारे देश की संस्कृति, उसके पूजा स्थल, उनके आस्था के मंदिर, उनको तोड़ा, ध्वस्त किया। तो क्यों नहीं, हमारा अपना जब स्वराज हुआ है तो उसको वापिस किया जा सके। इसका उत्तर उस समय भी मुझे एक युवा व्यक्ति के नाते किसी ने नहीं दिया, मुझे नहीं मिला। कुछ राजनीतिक मित्र जिनसे पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि सुभाष, ये राजनीति है, तुम नहीं समझोगे, तुम बच्चे हो अभी। तो वो पीड़ा लेकर के मैं यहाँ से गया, लेकिन जब मैं आज यहाँ आया हूँ 2024 में, आज 20 जनवरी के दिन, तो मन में एक उल्लास है, एक भावना है इस प्रकार की कि मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा देश स्वतंत्र है, मेरे देश के नागरिक सब स्वतंत्र हैं। ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിൽ അറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യമാണ്.